नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से अपने विचार किए साझा। एनसीसी कैडेट्स के साथ की बातचीत, फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने का किया आह्वान। उच्चतम न्यायालय पहुंचा महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला। कोर्ट ने केंद्र से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की सिफारिश और भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के पत्रों को कल सुबह तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा। पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां पूरी। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 28 नवंबर को होगी मतगणना। और उच्च हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में बढ़ी ठंड। गुनगुनी धूप के बीच चल रही सर्द हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से शुरू हो सकती है बारिश और बर्फबारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने एनसीसी दिवस का जिक्र करते हुए एनसीसी के कैडेट से बात की और बचपन के अपने अनुभवों को उनके साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने आर्म फोर्सेस फ्लैग डे पर देशवासियों से सहभागी बनने की भी अपील की। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने और फिटनेस को अपनी आदत में शामिल करने का भी आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। युवाओं से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी डे का जिक्र किया। पूर्व और मौजूदा कैडेट्स को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतृत्व, देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन, कड़ी मेहनत को अपने चरित्र का हिस्सा बना लें। अपनी आदत बनाने की एक रोमांचक यात्रा का मतलब ही एनसीसी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के कई कैडेट्स से विचार साझा किए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी बचपन में मेरे गांव के स्कूल में एनसीसी कैडेट रहा था, तो मुझे मालूम है कि ये डिसिप्लिन, ये यूनिफॉर्म, उसके कारण जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये सारी चीजें बचपन में मुझे एक एनसीसी कैडेट के रूप में अनुभव करने का मौका मिला था। मैं बहुत ही एक प्रकार से डिसिप्लिन में मानने वाला था, लेकिन एक बार जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जब हम कैंप में थे तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था, तो पहले तो ऐसा ही लगा कि मैंने कोई कानून तोड़ दिया है, लेकिन बाद में सबको ध्यान में आया कि वहाँ ये पतंग की डोर में एक पंखी फंस गया था, तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ चढ़ गया था। खैर, पहले तो लगता था कि मुझ पर कोई डिसिप्लिन एक्शन होंगे, लेकिन बाद में मेरी बड़ी वाहवाही हो गई, तो इस प्रकार से एक अलग ही अनुभव आया मुझे। प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के उपलक्ष्य में वीर सैनिकों को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद करते हुए देशवासियों से सहभागी बनने की अपील की। सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है, सहभाग भी जरूरी होता है, और 7 दिसंबर को हर नागरिक को आगे आना चाहिए। हर एक के पास उस दिन आर्म फोर्सेस का फ्लैग होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए। आइए, इस अवसर पर हम अपनी आर्म फोर्सेस के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिकों का स्मरण करें। प्रधानमंत्री ने देश में फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हुए फिटनेस की आदत को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने देश के सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड एवं स्कूल प्रबंधन से दिसंबर महीने में फिट इंडिया सप्ताह मनाने की अपील की। इससे फिटनेस की आदत हम सभी की दिनचर्या में शामिल होगी। फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल फिट इंडिया लोगो और फ्लैग का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं। फिट इंडिया 3-स्टार और फिट इंडिया 5-स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं कि सभी स्कूल फिट इंडिया रैंकिंग में शामिल हो और फिट इंडिया ये सहज स्वभाव बने, एक जन आंदोलन बने, जागरूकता आए
इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के भय को भगाने का आह्वान करते हुए कहा कि कोशिश होगी कि इस बार परीक्षा से जुड़ा कार्यक्रम जनवरी में आयोजित हो। उन्होंने कहा कि युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखें, अभिभावक तनाव मुक्त हों, शिक्षक आश्वस्त हों। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से मन की बात के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा, टाउन हॉल के माध्यम से और एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उच्चतम न्यायालय ने आज महाधिवक्ता तुषार मेहता से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने और सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित करने के राज्यपाल के पत्रों को अदालत में पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने महाधिवक्ता को कल सुबह 10:30 बजे न्यायालय में इन पत्रों को पेश करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यपाल के पत्राचार को प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय देने के तुषार मेहता के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है। और जो कांग्रेस का पिटीशन था उसके ऊपर नोटिस इशू किया है और डायरेक्ट किया है तुषार मेहता साहब को, जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर ऑफ द गवर्नमेंट की साइड से, कि जो जो चीफ मिनिस्टर स्वर्णिम जो हुए देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया गवर्नर को, वो प्रोड्यूस करें और गवर्नर की जो भी कम्युनिकेशन है वो सारे लेटर्स कल 10:30 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस करें और कल 10:30 बजे इसकी दोबारा हेयरिंग होगी। अभी कोर्ट ने दोनों प्रेयर्स जो थी, जिसमें उन्होंने प्रेयर्स में मांगा था कि उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनी है उसको डिसमिस किया जाए और उसके अलावा जो हमारी जो महागाड़ी की जो उसको उद्धव ठाकरे को इनवाइट किया जाए, ये दोनों बात कही थी, उसको नहीं माना है, इशू नोटिस किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलों की ओर से पीठ को बताया कि आज ही सदन में शक्ति परीक्षण कराया जाए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि फडणवीस को सदन में बहुमत प्राप्त है। उनका ये भी कहना था कि तीनों पार्टियों के बीच चुनाव बाद गठबंधन को 288 सदस्यीय सदन में बहुमत प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के 2 और कुछ निर्दलीय विधायकों की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने गठबंधन द्वारा दायर रिट याचिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें बंबई उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था। कल रात शीर्ष न्यायालय में दायर इन दलों की याचिका में राज्यपाल के निर्णय को रद्द करने और विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर तत्काल सदन में शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ये निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तीनों दलों को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया जाए। एक अलग याचिका में इन दलों ने विधायकों को शपथ दिलाने और शक्ति परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। साथ ही मांग की है कि उन्हें सदन में परीक्षण के दौरान बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाए। पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही मुख्य दलों ने पहली बार इस सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। भाजपा ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अंजू लुंठी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया है। इस बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। कल उपचुनाव के लिए मतदान के बाद 28 नवंबर को मतगणना होगी। देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सभागार में शनिवार को दिव्यांगजनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पौत्र और मुख्य वक्ता राजमोहन गांधी ने कौन अपना कौन पराया विषय पर अपने विचार रखे।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को अहिंसा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि गांधी जी दिव्यांगजनों की स्थिति के प्रति काफी सचेत रहा करते थे। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक इंसान को ये मानना होगा कि कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं, और जब ऐसा मानेंगे तो देश की अनेकों समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, ये सवाल है ना हर नागरिक के सामने, हर इंसान के सामने। और हमारे देश में बहुत तरक्की भी हुई है, लेकिन हमारे देश में बहुत समस्याएं भी हैं। अगर हम ये समझ लें या हमारे दिल में बात आ जाए कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, तो उसके लिए हम कुछ मदद भी करने को तैयार होंगे, तो शायद हमारे देश की समस्याओं का कुछ हल हो सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव में स्वर्गीय बहुगुणा को याद किया। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में कई उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया। वे अपने नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों पर अडिग रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपनी संस्कृति, बोली, भाषा से बहुत ही प्यार था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी, उत्तर प्रदेश में सांसद रीता जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में आज भी धूप छांव का खेल जारी रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे। राजधानी देहरादून में सुबह अच्छी धूप खिली, लेकिन दोपहर तक हल्के बादल छाने और सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 26 नवंबर से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जबकि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज मिनी औद्योगिक स्थान कालेश्वर में मिनी औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने इकाइयों के संचालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जमीन आवंटन के बावजूद भी जिन उद्यमियों ने अभी तक इकाइयां स्थापित नहीं की हैं, उनके आवंटन तत्काल निरस्त किए जाएं। जिलाधिकारी ने कैरी बैग, फ्रूट प्रोसेसिंग, बेकरी, टायर, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स आदि इकाइयों का निरीक्षण कर उनके संचालन में आ रही कठिनाइयों के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उद्यमियों से विभिन्न उत्पादों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रोडक्ट की अच्छी ब्रांडिंग करने और अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। क्षेत्र में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति न होने पर समस्या पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही विद्युत विभाग के माध्यम से समस्या का समाधान कराया जाएगा। कालेश्वर में पिछले कई सालों से उद्यमियों को जमीन आवंटन के बाद भी अभी तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित न करने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र को ऐसे उद्यमियों को तत्काल नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मिनी औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में 66 प्लॉट में से 60 प्लॉट विभिन्न इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आवंटित किए गए थे। इनमें से कुछ उद्यमी ही इकाइयां संचालित कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से अपने विचार किए साझा। एनसीसी कैडेट्स के साथ की बातचीत, फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने का किया आह्वान। उच्चतम न्यायालय पहुंचा महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला। कोर्ट ने केंद्र से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की सिफारिश और भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के पत्र को कल सुबह तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा। पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां पूरी। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 28 नवंबर को होगी मतगणना। और उच्च हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में बढ़ी ठंड। गुनगुनी धूप के बीच चल रही सर्द हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से शुरू हो सकती बारिश और बर्फबारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।